ने सरदार कर्मा का इंतजार किया। क्यों नहीं दोस्त, अपनी अपनी जगह तैनात हो। ज्वाला विक्रम जय मो जय मो जय मो ज्वाला विक्रम। जुर्म के कारण मैं तुम लोगों की शरण में आया। आप लोगों ने मुझे अपना सरदार नियुक्त किया, लेकिन आज तक कभी यह जानने की कोशिश नहीं किया कि हम किस जुर्म के कारण तुम लोगों की शरण में आए हैं। ज्वाला विक्रम आज ये कर्मा तुम लोगों से बतलाएगा कि किसके जुर्म के कारण हम तुम्हारी शरण में आए हैं और कौन मेरा दुश्मन है और आज आप लोगों को करना क्या है और चलना कहां पर है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे दिल में मचा तू
विक्रम। आज हम ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहे हैं, कसम प्रभु की खाऊं और मंत्री रंजीत सिंह को चलकर जग से आज। विक्रम मेरा दुश्मन इस राज्य शाम का महामंत्री रंजीत सिंह है, और जब तक मैं अपने दुश्मन को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि जो आग उसने मेरे सीने में लगाया है उसी के खून से अपने सीने की आग को बुझाऊंगा। इंसाफ का पुजारी हूं और इंसाफ करूंगा रास्ते में आए पहाड़ से। लेकिन ज्वाला विक्रम आज 6 महीने गुजर गए, मुझे मेरी माता पिता से मुलाकात नहीं हुई, और आज ना जाने क्यों मेरी माँ की सूरत मेरी आंखों में नाच रही है। ऐसे लगता है कि हम अपने बंगले पर पहुंचकर अपने माता पिता को अपनी आंखों से देखूं। खटार जी, माँ की याद, पिता की याद, सारे परिवार की याद भूल जाइए, इसलिए कि वो रास्ता अपनाए हो। हम लोग कानून की निगाह में बागी हैं, अगर कानून के हिरासत में आ गए या तो सलाखों के अंदर या तो गोलियों का निशाना बनोगे। तुम ठीक कहते हो ज्वाला, लेकिन माता पिता की ममता ऐसी होती है कि कभी कोई औलाद उसे अदा नहीं कर सकता है। ज्वाला आप ठीक कहते हैं, लेकिन कानून माँ की ममता को नहीं देखेगा, सीधा गोली मार देगा। तुम ठीक कहते हो ज्वाला कि कानून की नजर में हम लोग मुजरिम हैं, इसलिए हम कानून की नजर से बचकर और अपने बंगले के दूर से ही छुपकर हम अपने माता पिता की खबर लेंगे कि हमारे माता पिता किस हाल में हैं। ऐसे चलिए चुपके, ताकि किसी को मालूम ना कि ये लोग डाकू हैं। हाँ ज्वाला, उसके बाद चलूंगा रंजीत सिंह के बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिस तरह उसने मुझे तड़पाया है उसी तरह मैं उसे तड़पाऊंगा, कभी मैं उसे सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। आप चिंता मत करिए, तो चिंता न करिए सरदार जी, आप चिंता न करिए। आप चिंता न करिए सरदार जी, खूब आपका मैं मेहरबान हो, हर तरह से आपका मददगार ज्वाला। आप चिंता न करिए सरदार जी, हम लोग आपके मददगार। मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोग हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, जिस जगह पर हमारा पसीना गिरेगा खून आप लोग अपना बहा देंगे। आ ज्वाला, सबसे पहले हम अपने माता पिता से मुलाकात करते हैं, उसके बाद चलूंगा रंजीत सिंह के बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। उसने मुझे तड़पाया है उसी तरह मैं उसे तड़पाऊंगा। जिस तरह उसने मुझे मेरे माँ बाप जिस तरह उसने मुझे
मुझे मेरे माँ बाप से अलग किया है, उसी तरह मैं उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। और तब तक मैं उसके पूरे खानदान को नहीं मिटाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज ज्वाला विक्रम, सबसे पहले हम अपने माता पिता से मुलाकात करते हैं। बलवीर सिंह नहीं जानेंगे, बल्कि आज से लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते हैं और जमी तो क्या आसमां की खबर रखते हैं। मेरे नौजवान साधु, आज ये काली वर्दी पहनाने वाला कोई और नहीं, ये मंत्री रंजीत सिंह है। हर सेना मैं कभी भाई हिंदुता दरमियान बिना खून खूनी बना रूठ गयो भगे। बाबा कल्याणी मन से सारी बातें बताऊंगा और उसके बाद क्या करना है, रंजीत का नाम दुनिया से मिटा। तैयार हो जाओ। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां।
होती नहीं थी ना, वो साली जहर की पुड़िया थी। She was not a girl, she was a daughter-in-law of poison. और मैं तो आवाज करके सोच भी नहीं सकता था कि वो साली इतनी बड़ी फाइटर निकल जाएगी। वो इसने ऐसी जगह चोट मार दिया, अच्छा तो ये हुआ कि मेरी जान बच गई, नहीं तो राम राम सत्य कर देती मेरा। लेकिन उसने मेरे को चोट पहुंचाया है, मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो कहीं और नहीं, हमारे कवरेज में, हमारे ऑनर में है। उसने मेरे को चोट पहुंचाया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बाबा जी राम कल्याण, कौन सा खबर लेके आए बाबा जी? अब हम तुम्हारे लिए आज एक तोहफा लेकर आया हूं। एक बात बताओ, तुम बोलो, तुम हमेशा तोहफा ही लाते रहोगे कि आसाम राज्य की हुकूमत भी मिलेगी? मिल जाएगी, मरने के पहले मिल जाएगी? हो सकता है कि मिल जाएगी। चलो दिखाओ तोहफा। सिपाही ले आओ, ले आओ पहले। ये तो तेरी माँ जैसे दिख रही है, है? बाबा पहचान लो इसे, ये वही बलबीर सिंह की बीवी कमला है। ये तो एक बच्चे की माँ है। अरे एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल बहुत करारा है। बाबा जी इसका भोग तो हम लोगों ने लगा लिया है। अबे झूठा करके मतलब क्या है, खाते पीते रहो। चलो कोई बात, एक काम करो, जब तक आसाम राज्य की हुकूमत मेरे अंडर में नहीं आ जाती है, तब तक प्रतिदिन तुम इसी तरह एक माल ला करके दे दिया करो। कहां से लाई? जवान के माल तो ढो ढो खवाए जावा है, कौनो माल? जी भाई अभी तो बहुत से माल हैं इनके लिए खाने को। अरे अबे तो एक ही माल ले आए हो यार, वो भी राय बरेली से, दूसरा माल तो वहाँ है। आ, इसकी मौसी शंकरपुर वाली हो। अरे तुम नहीं जानते हो, रोहिणिया में और मौसिया भाई। तीसरा माल रिथुकपुरवा में है, सब बुलाकर आलम पुरैनिया को भी पेश कर देना, ये खाते पीते रहेंगे। बाबा जी मैं जा रहा हूँ, लेकिन इन सबों को अपने पास रखना, जब हम तुम यहाँ के सम्राट बनेंगे तो इन सालियों को अपनी रखैल बनाएंगे। तुहार किस्मत गाओ संसार, तुहार किस्मत बढ़िया है, साला सुबेर नहीं होती एक माल भहराय पड़त है। बाबा हम हो कहिए रखो बदरीपुर में खाई पी पड़े रही। ये क्या कह रहा था तू? मेरे पास रहना चाहता है? अरे लोग मेरे को देख करके भागते हैं, तुम मेरे करीब आना चाहता है? ये बात तो मैं खुद ही कहने वाला था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगर तू मेरे पास रहना चाहता तो बेशक रह जा, क्योंकि मैं नारियों का ही रेप नहीं करता हूँ। कोई ग्लोब एंड ब्राइट बॉय, मतलब गोरा चिट्टा लड़का मेरे को मिल जाए तो मैं उसे भी नहीं छोड़ता। अरे हमें कहीं दिखाई ना पड़ा। चलो भाई, हमारा काम करने का एक रूलर है, हम जो काम करते हैं वो नियमावली से करते हैं। आ जाओ। तुम्हारा नंबर लगा है बाबूजी। हाँ, यहाँ मैं कैसे आई? कल्याण करवाने के लिए बाबूजी, मैं खुद मुसीबत की बारी हूँ। देखो मेरे सामने रो मत, जब मेरे सामने कोई रोता है तो मेरे को हंसी आती है, और जब कोई मेरे सामने हंसने लगता है तो मेरे को क्रोध आता है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ, और शैतान के अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए तुम अंडरस्ट हो जाओ, अंडरस्ट मीन जानती हो, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के। कमीरी, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। क्यों बेशर्म, कहीं का यार, तेरे पेरेंट्स ने तेरा नाम कमला रख दिया है, और इसी कमला नाम पे मेरे को एक सांग याद आ गया, प्लीज लिसन। मेरी छतरी के नीचे आ जा,
बेटी राजकुमारी दीक्षा है, मेरे स्वामी जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। इंतजार करते हैं कि मौका मिल जाएगा। अबे इसको क्यों लाए हैं? अबे हर जा, बता दे रहा हूँ, इसको पहचान लिया क्या? हाँ बाबा जी, यही ये महाराज की बेटी। यही एक लड़की नहीं है, 13 किलो का बच्चा, 14 किलो का बच्चा, 16 किलो का बच्चा, 18 किलो का बच्चा। चुप हो जा कमीना कहीं। देखो ये परेशान लग रही है, एक चेयर डाल तू साइड में ले जा। तू परेशान नजर आ रही है, देख थोड़ा रेस्ट कर ले तू, अब ये माल खाएंगे। जा बैठ जा, आराम कर तू, जा। नहीं जाएगी क्या? लगता इरादा है, रहने दे। मैंने तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, अब तू अपनी उम्र में कभी नहीं सही होगी, हमेशा तू पागल बन करके रहेगी, पागल बन करके। अगर कहना मान लेती शायद तेरा ये हाल नहीं करता मैं। अबे एक उठ, उठ, अबे इसको कौन बोला था लाने के लिए? हैं? यहाँ ला करके डाल दिया, ये सारी ना जाने कहाँ चोट पहुंचा दी। अबे तू भाग जाते भाग, साले तेरी नियत में खोड़, भाग जाते भाग, अभी बाबा नहीं भोग लगा पाया, साले तुम मर गए, भाग जाते भाग, निकल जा। अबे जाता है कि नहीं जाता? इसको देखता हूँ तो डर लगता है, आओ तो बताता हूँ मैं। इतनी बड़ी फाइटर निकल गई, हैं? तेरे को वही मिला था मारने के लिए? अब की मौका मिलेगा तो दांत तोड़ दूंगी लात मार करके। चल जाएगा यार, तू दांत तोड़ दे चल जाएगा, हाथ पैर तोड़ दे चल जाएगा, वहाँ क्यों मारती? वहाँ तो तेरा घाटा होगा ना। अच्छा ये बता बुड्ढा, तू तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? पीछे पीछे ही तेरे सामान सब कुछ है, तो क्यों नहीं पड़ूंगा? ठूसा मार कर दांत तोड़ दूंगी, सारे के सारे दांत अंदर ही हो जाएंगे। मैं तेरे को पहले ही मार देता यार, क्या करूं? उमर को देखो, मुझे तो मारने का आदेश मिला है, मैं पहले ही मार देता, लेकिन क्या करूं जब तू मेरे करीब आती है। नहीं मार दे कमीने मुझे। नहीं नो नो नो, ऐसे नहीं करूंगा। जब तू मेरे करीब आती है तो तेरे को देख करके मेरे को ये आभास होने लगता है कि मेरे बॉडी में मेखाना समा गया है। शर्म करो शर्म, 55 के हो गए हो। नहीं 55 हो तो बात सही, लेकिन अभी दिल बचपन का है। ये जो हल्का भैया, मैंने कहा था कि मैंने ऐसा रोल कभी नहीं किया है, बुरा मत मानिएगा, मैंने कभी भी ऐसा रोल नहीं किया है, हमेशा बाबा शक्ति वगैरह रोल मैंने ही करके दिखाया है, लेकिन ऐसा रोल मैंने कभी नहीं, बहुत सारे तांत्रिक का रोल किया है, अब्बास फकीर, विश्वामित्र, हरिचंद में मैंने बहुत सारे रोल किए, लेकिन ऐसा रोल मैंने नहीं किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं, इसलिए खाने जा रहे हैं। ये जो हल्का, ये जो हल्का हल्का